हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एपोशनम कैनाबिनम मेडिसिन। तो इसका कॉमन नेम इंडियन हेम्प है एंड एपोसाइनेसी फैमिली। आज हम बहुत दिनों बाद यूट्यूब पर आए हैं। प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और को भी मेरी वीडियो शेयर करें। एपोशनम कैनाबिनम, इसको हम रीड करते हैं। बोरिक के अकॉर्डिंग इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ म्यूकस एंड सीएस मेम्ब्रेन एंड एक्ट ऑन सेलुलर टिश्यू। किस पे एक्ट करती है? सेलुलर टिश्यू पर, और म्यूकस एंड सीएस मेम्ब्रेन का सिक्रीशन बढ़ता है। और ये काफी अच्छा मेडिसिन है एडिमा एंड ड्रॉप्सी के लिए। प्रोड्यूसिंग एडिमा एंड ड्रॉप्सी एंड ऑन स्किन कॉजिंग डायफोरेसिस। डायफोरेसिस मतलब क्या होगा? स्वेटिंग। एक्यूट हाइड्रोसिफेलस मतलब क्या होगा? फ्लूइड फिल्ड कहाँ पे? ब्रेन में। और डिमिनिश्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द पल्स इज अ प्राइम इंडिकेशन दिस इज वन ऑफ आवर मोस्ट इफिशियंट रेमेडीज। इन ड्रॉप्सी इफिशियंट रेमेडी किसके लिए? ड्रॉप्सी, एसाइटस, एनासारका एंड हाइड्रोथोरिक्स एंड यूरिनरी ट्रबल्स, स्पेशली सप्रेशन एंड एक्सट्रीम ग्रीन। मतलब कहना क्या चाह रहा है? ड्रॉप्सी मोस्ट इफिशियंट रेमेडी। ड्रॉप्सी आपको पहले ही बता दिया मैंने। एसाइटस मतलब क्या होगा? फ्लूइड फिलिंग एब्डोमेन। एनएसआर का मतलब क्या होता है? फ्लूइड फिल्ड इन होल बॉडी। एंड हाइड्रोथोरिक्स, हाइड्रोथोरिक्स मतलब क्या होगा? फ्लूइड फिल्ड इन प्लूरल कैविटी। एंड यूरिनरी ट्रबल्स स्पेशली सम्प्रेशन एंड स्टंगरी। स्टंगरी मतलब क्या होगा? ब्लॉकेज ऑफ ब्लैडर, ब्लॉकेज ब्लैडर इन द डाइजेस्टिव कंप्लेन ऑफ ब्राइट डिजीज विथ नोजिया एंड वॉमिटिंग, ड्राउजीनेस, डिफिकल्ट ब्रीदिंग। ब्राइट डिजीज विथ नोजिया के साथ वॉमिटिंग, ड्राउजीनेस, डिफिकल्ट ब्रीदिंग, सांस लेने में भी दिक्कत होगी। इट विल बी फाउंड ऑफ फ्रीक्वेंट सर्विस। द ड्रॉप्सी इज कैरेक्टराइज बाई ग्रेट थर्स्ट, प्यास भी बहुत ज्यादा लगेगी ड्रॉप्सी की कंडीशन में। एंड गैस्ट्रिक इरेटिबिलिटी, एरिडिमा, एरिडिमा मतलब एबनॉर्मल रिदम, मेट्रल एंड ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, एक्यूट अल्कोहलिज्म, रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर। चलिए अब हम माइंड देखते हैं। इसका माइंड सिम्टम क्या है? बेवेल्डर्ड, लो स्प्रिटेड। बेवेल्डर्ड मतलब क्या होगा? कंफ्यूज रहेगा। बेवेल्डर्ड मतलब कंफ्यूज रहेगा और एनर्जी क्या होगी? लो रहेगी। नोज के सिम्टम देख लेते हैं। नोज लॉन्ग कंटिन्यूड स्नीजिंग, स्नीजिंग यानी कि छींके लगातार बनी रहेंगी। स्नफल्स ऑफ चिल्ड्रन, स्नफल्स मतलब सूंघना ऑफ चिल्ड्रन, स्निफल्स ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पे एक मेडिसिन और दे रखी है सेम्बुकस, वहाँ पे भी ये सिम्टम है। क्रोनिक नेजल कैटरा विद टेंडेंसी टू एक्यूट स्टेफनेस विद डल स्लगिश मेमोरी। क्रोनिक नेजल कैटरा के साथ साथ और किस चीज़ की टेंडेंसी रहती है? स्टेफनेस विद डल स्लगिश मेमोरी मतलब सुस्त सा रहेगा पेशेंट। डल हेडक, टैक्स कोल्ड इजिली, ठंडी चीजें बहुत जल्दी लेता है। नोस्ट्रिल बिकम कंजेस्टेड एंड ब्लॉक्ड अप इजली। नोस्ट्रिल कैसा होगा इसका? कंजेस्टेड एंड ब्लॉक अप इजली मतलब ब्लॉक हो जाएगा, कंजेस्टेड हो जाएगा बहुत जल्दी। फिर इसका स्टमक का सिम्टम देखते हैं। स्टमक में क्या दिया है? नोजिया विथ ड्राउजीनेस, थर्स्ट ऑन वॉकिंग,
नौजिया भी रहेगी, ड्राउजीनेस, और घूमने से इसे क्या बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, एक्सेसिव वॉमिटिंग, वॉमिटिंग की भी टेंडेंसी है, फूड और वाटर इज इमीडिएटली इजेक्टेड, तुरंत क्या होता है इजेक्ट कर देता है, चाहे वो भोजन हो या पानी हो। डल हैवी सिक फीलिंग, डल हैवी सिक फीलिंग, ऑपरेशन इन एपिगैस्ट्रियम एंड चेस्ट, इम्पेडिंग ब्रीथिंग, इम्पेडिक ब्रीथिंग में नेक्स्ट मेडिसिन क्या है, लॉबिलिया। इम्पेडिक का मतलब क्या होता है, बहुत जल्दी। आगे क्या दिया है, सेंसेशन ऑफ सिंकिंग इन स्टमक, सिंकिंग सेंसेशन कैसा होगा, सिंकिंग कहाँ पे, स्टमक में, एब्डोमन ब्लॉटेड, एसाइटस, एसाइटस मैंने आपको पहले ही बताया, एब्डोमन ब्लॉटेड, ब्लॉटेड मतलब फूला हुआ, एसाइटस मतलब फ्लूइड फिल्ड इन एब्डोमन। नेक्स्ट स्टूल के सिम्टम हम देखते हैं क्या क्या है, वाटरी, फ्लैटुलेंट विथ सोरनेस इन एनस, सोरनेस इन एनस, एनस में क्या हुआ, सोरनेस टाइप्स, वर्स आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद दिक्कतें बढ़ती हैं, फीलिंग एज इफ इस पिक्चर वर ओपन एंड स्टूल रन राइट आउट, मतलब कहना चाह रहा कि फीलिंग मतलब कि सेंसेशन टाइप से फीलिंग होगी, इस पिक्चर ओपन एंड स्टूल क्या है बाहर निकल जाएगा। यूरिन का सिम्टम देखते हैं हम, ब्लैडर मच डिस्टेंडेड, ब्लैडर क्या होगा, फूला हुआ रहेगा, टर्बिड हॉट यूरिन थिक म्यूकस एंड बर्निंग इन यूरेथ्रा, कैसा रहेगा, यूरेथ्रा में बर्निंग भी होगी, थिक ही म्यूकस रहता है, टर्बिड एंड हॉट हॉट यूरिन, आफ्टर यूरिनेटिंग लिटिल एक्सपेल्सिव पावर, ड्रिबलिंग मतलब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, स्ट्रंगरी मतलब की ब्लॉकेज ब्लैडर, इसको पहले बता दिया मैंने, रिनल ड्रॉपसी। फिर हम देखते हैं फीमेल के सिम्टम क्या क्या है, एमिनोरिया की प्रॉब्लम विथ ब्लॉटिंग, मेटोरेजिया विथ नोजिया, मेटोरेजिया के साथ साथ नोजिया की भी कंडीशन रहेगी, फैंटिंग, वाइटल डिप्रेशन, हेमोरेज एट चेंज ऑफ लाइफ, ब्लड एक्सपेल्ड इन द लार्ज क्लॉट, मतलब क्लॉट के फॉर्म में ब्लड आएगा, बाकी मेटोरेजिया एमोनोरिया की भी प्रॉब्लम में ये मेडिसिन हम दे सकते हैं। फीमेल के ये सिम्टम है, रिस्पायरेटरी सिम्टम क्या क्या होंगे इसके, शॉर्ट ड्राई कफ, रिस्पायरेटरी शॉर्ट एंड अनसेटिस्फैक्ट्री साइजिंग, मतलब कि डीप ब्रीदिंग, मतलब गहरी सांस लेगा, ऑपरेशन अबाउट एपिगैस्ट्रियम एंड चेस्ट। फिर नेक्स्ट इसका क्या है, हार्ट, मतलब इसके सिम्टम क्या होंगे, ट्राई कस्पिड, रिगर्जिटेशन, रैपिड एंड फेबल, रैपिड बहुत तेज तेज, इरेगुलर कार्डियक एक्शन, लो आर्टेरियल टेंशन, पल्सेटिंग जुगलर्स, जनरल साइनोसिस एंड जनरल ड्रॉपसी के लिए काफी अच्छा वर्क करती है ये मेडिसिन। ग्रेट रेस्टलेसनेस एंड लिटिल स्लीप, बहुत ज्यादा बेचैनी रहती है और सो भी नहीं पाता, लिटिल स्लीप, अच्छे से नींद नहीं आती बेचैनी की वजह से। वर्स मतलब एग्रेवेशन, इसकी जो मोडालिटी हम देख लेते हैं, वर्स कोल्ड वेदर, कोल्ड ड्रिंक एंड अनकवरिंग से भी इसको दिक्कत होगी, और आराम मतलब रिलीफ किससे मिलेगा, वार्म से।
Thanks for watching this video. Please subscribe and share my channel.